दोस्तों फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताऊंगा दासा कैरेक्टर की एबिलिटी और स्किल के बारे में। दोस्तों मुझे फॉलो कीजिए, आप भी उसे जान पाओगे दासा कैरेक्टर की एबिलिटी और स्किल के बारे में, और दासा कैरेक्टर यूज करने से आपको क्या कुछ बेनिफिट मिलने वाला है वो भी इस वीडियो के अंदर फुल डिटेल से जानकारी दूंगा। फिलहाल मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल में जो भी न्यू फ्रेश हो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि मैं फ्री फायर की होम स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल हूँ, तो आपको भी इधर अवेलेबल होकर इधर कैरेक्टर की जो ऑप्शन है इसमें आपको क्लिक कर लेना होगा। तो कैरेक्टर की ऑप्शन में क्लिक करने के बाद फ्री फायर की ऑल कैरेक्टर ओपन हो जाएगा। तो इधर आके आप इधर दासा कैरेक्टर इधर सेलेक्ट कर लीजिए। तो दासा कैरेक्टर की एबिलिटी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, दासा कैरेक्टर एक पैसिव कैरेक्टर है। तो पैसिव कैरेक्टर फ्री फायर के अंदर बहुत ही यूजफुल कैरेक्टर है। तो फ्री फायर के अंदर दो कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि एक्टिव और पैसिव। उसकी कॉम्पोजिशन वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। तो इधर आप लोगों को बताऊंगा कि दासा कैरेक्टर की एबिलिटी क्या है। तो दासा कैरेक्टर की एबिलिटी 4 एबिलिटी है। तो आप लोगों को एक एक एबिलिटी के बारे में जानकारी देता हूँ। कैरेक्टर की जो पहली एबिलिटी है वो क्या है, जब दासा कैरेक्टर लेके आप खेलो तो उस टाइम पे किसी ऊंचाई से जब आप जंप करते हो किसी आदर्श कैरेक्टर के अंदर, उधर आपको जितना डैमेज मिलेगा दासा कैरेक्टर यूज करने से उससे 50% कम आएगा। जैसे कि आप समझ लो 100 डैमेज आने वाला था, उस टाइम पे दोस्तों आपको 50 डैमेज आएगा। जैसे कि 50 HP आपके पास रहेगा तो बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई से भी आप गिरोगे तो आपको डैमेज बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, 50% कम आएगा। उसके बाद उसकी जो दूसरी एबिलिटी है वो क्या है, जब जंप करते हो उस टाइम पे आपकी कैरेक्टर जब नीचे की तरफ गिरता है उसके बाद जब उठ के दौड़ लगाता है उस टाइम पे आपकी जो कैरेक्टर है वो स्लो हो जाता है। उस टाइम पे दोस्तों 80% ज़्यादा स्पीड से वो भागेगा, तो इसकी दूसरी एबिलिटी है। और तीसरी एबिलिटी है इसकी एक्यूरेसी 10% बढ़ेगा, और रिकॉल है वो भी दोस्तों 10% बढ़ेगा। जैसे कि मैं इधर गेम प्ले के अंदर आ चुका हूँ, तो इधर इतना ऊंचाई से बीमा शक्ति की जो ऊंचाई है इतना ऊंचाई से मैं इधर गिर रहा हूँ, तो गिरने से देखिए इधर 50% डैमेज गया है। जैसे कि अभी भी दोस्तों 90 HP अभी भी मेरा कैरेक्टर की बाकी। आप जैसे कि देख पा रहे हो किस तरीके से इतना ऊंचाई से गिरने के बाद 4-6 इस तरीके से कुछ HP रहता है, लेकिन इधर 90 HP है। तो जैसे कि फिर से आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरीके से 200 HP है मेरे पास, उसके बाद देखिए कितना HP गया है, इधर 140 HP अभी है। तो उसके बाद देखिए ऊपर से गिरने के बाद भी उसके बाद जो उठ के जो दौड़ लगाता है वो कितना स्पीड से, आपको मैं फिर से दिखाऊंगा। तो इधर जंप लगाऊंगा, उसके बाद देखिए जो कैरेक्टर देखिए बैठ गया है, उसके बाद देखिए भागेगा कितना स्पीड से भागा, तो इधर 80% ज़्यादा स्पीड से भागेगा दासा कैरेक्टर। इसका है दूसरी नंबर इसकी एबिलिटी। नंबर जो एबिलिटी है दासा कैरेक्टर के अंदर वो क्या है, वो है दोस्तों एक्यूरेसी। तो इधर 10% एक्यूरेसी बढ़ाएगा, मतलब 10% मतलब बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि कोई भी एनिमी को आप फायर करते हो किसी भी गन से, उस टाइम पर दोस्तों एक्यूरेसी ज़्यादा होने से जितना भी गोली आप फायर करोगे वो दोस्तों 100% चांस होगा एनिमी की बॉडी या हेड पर आएगा। तो उसके बाद दोस्तों किसी भी एनिमी को किल करने के लिए बहुत ही मज़ा आएगा, और इजी तरीके से आप किल कर सकते हो किसी भी एनिमी को। तो इसका जो 4 नंबर जो एबिलिटी है दोस्तों रिकॉल है। तो रिकॉल के बारे में आप लोगों को बताता हूँ, कैरेक्टर की जो 4 नंबर एबिलिटी है वो दोस्तों है रिकॉल। तो इधर रिकॉल 10% कम हो जाएगा। तो रिकॉल की मीनिंग क्या है, तो इधर रिकॉल की जो मीनिंग है वो दोस्तों गन के ऊपर आधारित है। जैसे कि रिकॉल सिस्टम कम हो जाने से आपकी जो गन की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो इधर देखिए ये जो फायर कर रहे हैं, इधर 5-6 गोली एनिमी की हेड या बॉडी पर रहता है, और बाकी जितना भी गोली है इधर उधर जाता है, तो उसकी मतलब रिकॉल हो रहा है। जैसे किसी भी एनिमी की ऊपर आप गोली या फायर कर रहे हो उस टाइम दोस्तों 5-6 गोली उसकी बॉडी या हेड पर जाकर लगेगा, और जितना भी गोली है इधर उधर से निकल जाएगा। वो जो रिकॉल सिस्टम है उधर कम हो जाएगा, तो गन की रिकॉल सिस्टम कम हो जाने से गन की एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। तो उसके बाद आप बहुत ही ज़्यादा गोली एनिमी की बॉडी या हेड पर लेके आ सकते हो, उसके बाद बहुत ही आसानी होगा आपको किल करने के लिए। तो इसी तरीके से जानकारी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए।